ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ वसाका लीफ बता रहे हैं आज, ठीक है। ये वसाका की लीफ है, वसाका की लीफ सिंपल लीफ जैसी रहती है वैसी लीफ है, इसमें पूरा ऐसा लैमिना दिख रहा है। ये पोर्शन जो रहता है इसको बोलते हैं मिडरिप, ठीक है। मिडरिप वाले पोर्शन का हमको सेक्शन लेना जरूरी रहता है क्योंकि उसमें ही जाइलम फ्लोएम रहेंगे। जाइलम फ्लोएम से जो आपको विजुअलाइजेशन आएगा उसमें पूरा सेक्शन कवर हो जाएगा। जैसे कि ये लीफ है तो लीफ के सेक्शन में आपको कभी भी दो सर्फेसेस दिखाई देती है, दो एपिडर्मिस दिखाई देती है। जैसे कि ये वाला पोर्शन है ये अपर एपिडर्मिस होगी, इसको हम पलटाएंगे तो ये लोअर एपिडर्मिस होगी, ठीक है। तो सेम जो डायग्राम अभी लीफ का आपको समझाया गया है इसमें भी वैसा ही है, अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस रहेगा। एंड जस्ट विदिन द एपिडर्मिस देयर आर सेल लाइंस नोन एज पैलिसेड सेल्स, ठीक है। तो अभी सेक्शन निकालते कैसे हैं वो मैं आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। तो जब भी हम सेक्शन निकालते हैं तो आपको ये पोर्शन कट कर देना है, बीच का पोर्शन लेना है, ठीक है। ये देखो इस तरीके से बीच का पोर्शन कट किया है मैंने, मिडरिप वाला पोर्शन आना चाहिए, ठीक है। और इसमें ये पोटैटो यहाँ पे रखा हुआ है तो पोटैटो का सेक्शन लेकर इस तरीके से कट करके, इसको पूरा कट नहीं करना है। ये देखो पोटैटो लिया है मैंने, इसको बीच में से हमको थोड़ा सा कट लगाना है, समझ में आ गया। पूरा काटा नहीं है मैंने। और उसमें हम क्या करेंगे, ये जो गैप है इस गैप में हमारा ये जो लीफ का पोर्शन है ये पोर्शन हमने उसके अंदर फंसा लिया। आई बात समझ में। अभी ये बड़ा हो गया, इसके दो पार्ट कर देते हैं, ठीक है। फिक्स नहीं हुआ ना, आधा कर देंगे एंड इसमें ये फिक्स कर देंगे। देखो ध्यान से आप लोग ताकि आपको भी समझ में आए। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अभी तक कि आपने रूट का निकाला, सीड का निकाला, आपको कुछ भी वहाँ पर नहीं था, ड्रग सोक किया, डायरेक्ट सेक्शन निकालना था। लेकिन यहाँ पर हमको लीफ को इस तरीके से फिक्स करना पड़ता है। आपको दिख गया, ठीक है। पोटैटो के गैप में इस तरीके से लीफ को हमने फंसाना है और फिर सेक्शन निकालना। अब ब्लेड लेना है, फ्रेश वाले ब्लेड लेना है। जैसे हम इसको इस तरीके से दबा के रखेंगे और हम इस तरीके से, अभी हमको पकड़ मिल गई, सपोर्ट मिल गया, अब इसको हम यहाँ से कट करना शुरू करेंगे तो ये देखो सेक्शन निकल रहा है, दिख रहे हैं, ठीक है। ऐसे सेक्शन निकलते जाएंगे, और सेक्शन हम ऐसे धीरे से निकाल लेंगे कट का। जो भी आपको थिन लग रहा है वो सेक्शन आपने फाइनल करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये सेक्शन मुझे लग रहा है कि थिन आ गया है मेरा, ठीक है। ब्रश के हेल्प से निकालना है। आपको मैंने बताया है कि ये सेक्शन बहुत डेलिकेट रहते हैं और लीफ का तो और ज़्यादा डेलिकेट रहता है, तो इसको हमको कभी भी ब्रश से ही हाथ लगाना है, अपने मतलब फिंगर्स से उसको टच नहीं करना है। आप देखो सेक्शन दिख रहा है, दिख रहा है ये पोर्शन जो है इसमें क्या दिख रहा है, जैसे वहाँ पर देखो दो लाइन ऐसे दिख रही है, बीच का पोर्शन ऐसा ओवल शेप का दिख रहा है, वैसा ये दिख रहा है, देखो दिख गया। सबसे पहली स्टेप पे हम लोग क्या करते हैं आप लोग बताएंगे, अस्सी लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्या करेगा, सेक्शन को क्लियर कर देगा जो भी वहाँ पर, और दूसरा दो काम करता है, एक तो सेक्शन को क्लियर करता है, दूसरा सेकंड फ्लोरोबिस्मॉल के साथ में SCL जब भी हम ट्रीट करेंगे, सेकंड स्टेप में जब हम फ्लोरोबिस्मॉल इसमें ऐड करते हैं तो फ्लोरोबिस्मॉल और SCL क्या करते हैं, जाइलम और फ्लोएम में जो लिग्निन प्रेजेंट रहता है उसको पिंक कलर देते हैं और वो आपको पिंक कलर से शो हो जाता है, ठीक है। ये अभी रिएक्शन हो रही है, इसमें लिग्निन जो है स्टेनिंग होगा, एक्सेस वाला जितना भी स्टेन है वो हम सब यहाँ पर ड्रेन ऑफ कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, एक ड्रॉप लेंगे हम ग्लिसरीन का, ठीक है, समझ में आ गया। एंड उसको क्या करेंगे, अभी कवर स्लिप लगाना है, ग्लिसरीन के हेल्प से हम कवर स्लिप लगाएंगे। ग्लिसरीन क्यों डाला पता है आपको, क्यों डाला है, मॉइस्ट, हाँ, सेक्शन को मॉइस्ट करता है। ये हम लोगों ने यहाँ पे सेक्शन हमारा फोकस कर दिया है, अब इसको इस तरीके से फोकस करेंगे और ये आपकी स्लाइड अब रेडी है देखने के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए। आई बात समझ में, देखो टीएस आ गया। तो इस तरीके से आप लोग भी TS और वसाका लीफ बना सकते हैं, धतूरा लीफ बना सकते हैं। आपके सिलेबस में दो ही लीफ के सेक्शन है, आपको इस तरीके से उसको बनाना है और ऑब्जर्व करना है, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, थैंक यू।